फिर मुझे इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। कुहू एक बच्ची की तरह है, नान को उसकी इमोशनल मैच्योरिटी का तो पूछो ही मत। कोई छोटी सी प्रॉब्लम होगी, इतना परेशान होने की बात नहीं है। इट्स ऑल राइट, काम डाउन। एनीवे, इनका मूड ठीक करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। उसमें हम चार लोग हैं। कौन चार? ये केट की, ये अतुल, ये अबीर और तुम। यहाँ होने वाला है लॉट्स ऑफ फन। आज रास रचैया की हैप्पी बर्थडे है, तो हंगामा होना चाहिए कि नहीं विशंबर जी? बिल्कुल यशपाल जी, बिल्कुल होना चाहिए। तो राजकोट, आर यू रेडी? दादू, आपने लास्ट टाइम जब ऐसे रॉकस्टार एक्ट नहीं किया था, 3 दिन बीमार हो गए थे। प्लीज नॉर्मली बात कीजिए। सो लेडीज, जेंटलमैन एंड कौशल, यस, डांस तो हमेशा होता है, लेकिन आज डांस नहीं होगा। ओहो, मेरी बात तो सुन लो, डांस नहीं होगा मगर डांस कॉम्पिटिशन होगा, वो भी कपल्स का। ना बताइए, बोलिए बोलिए, कौन कौन कपल्स पार्ट लेगा? बाबूजी मैं। तुम्हारा पार्टनर तो भाग गया। या? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मामी जी, कटरीना चाची के साथ डांस कर सकती है? नहीं, मुझे इनके साथ डांस नहीं करना। अरे तो कंपटीशन में कौन कौन पार्ट लेगा बताइए? कंपटीशन किस बात का, लड़कियों में से तो पहली तय, जीतेगी तो मिष्टी दीदी ही। जी नहीं, हमारी हैशटैग कुहू भाभी है ना, वो मिष्टी से 100 times ज्यादा अच्छी डांसर है। हाँ। जीतेगी तो हमारी हैशटैग कुहू भाभी। मामी जी, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अरे मिष्टी दीदी इज द बेस्ट, इज द बेस्ट, इज द बेस्ट। कौन बेस्ट है वो तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा। अनु, आप जज कर सकते हैं बट सिर्फ एक शर्त पे, अगर आप पार्शियलिटी ना करें तो। अरे ब्रिलियंट आइडिया, क्या अमेजिंग आइडिया। हाँ हाँ नानू, डन। लेकिन मिष्टी के साथ कौन डांस करेगा? अब तो हम ये कंपटीशन हार ही जाएंगे। मामी, आपको क्या लगता है कौन डांस कर सकता है? कौन? 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 तू अभी ऐसे कैसे मामी? मैं डांस कहाँ कर सकता हूँ? अगर तू सच में नहीं कर सकता है, नहीं आप बोल रही है तो मैं कर लेता हूँ। हाँ। इंसिस्ट कर रही हो तो। हाँ, तो फिर तेरा बापूजी हमारी तरफ से अभी करेगा। हाँ। बेटा ठीक तो है ना? हाँ बड़ी माँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है ना बेटा? तमाम सबूत और मिश्री के गिरने के व्हाटएवर रख के मैं इस फैसले पे पहुंचा हूँ कि इस कंपटीशन का विनर है। बताओ ना बाबू। क्या बापूजी, सारी दुनिया को पता चल गया कि कुणाल और कुहू विनर है। हाँ। तो आप फिर भी यूं ही? हाँ हाँ भाई, हाँ वो भी है। तो इस डांस कंपटीशन के विनर है कुणाल और कुहू। दोनों साथ में जीते हैं, इसीलिए दोनों फैमिली साथ में ताली बजाओ। मिश्री, तू जानबूझकर आ रही है ना? नहीं बड़ी माँ, मेरे पैर। सज्जनों, सिनेरियो सुनिए सुनिए, आज का मेन अट्रैक्शन है
मेरा सुनो तो। बस जुगनू, अरे दुनिया में लोगों ब्रेक डांस करते हैं, तुम हो जो ब्रेक द फ्लोर डांस करते हो। इससे पहले कि यहाँ भूचाल आ जाए, चुप हो जाइए, रुक जाइए, ओके? गो बैक। आजे बड़ा जी। सॉरी हाँ। तो आज का जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम है, वो कुछ और है। देखिए, हैप्पी बर्थडे पे तो वही होता है जो बर्थडे बेबी को सबसे अच्छा लगता है। तो आज हमारे बाल गोपाल को सबसे प्यारी, सबसे अच्छी लगती थी वो। ये सब अबीर के एनजीओ के लड़के हैं, पढ़ते भी हैं और खेल कूद में भी बहुत आगे हैं। वो पूरे साल इस दिन की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज जो जीतेगा उस टीम को अपने खेल की चॉइस की कोचिंग मिलेगी। थैंक यू भगवान जी, आज आपका दिन है और आज आपकी वजह से सब खुश हैं, स्पेशली कुहू और कुनाल। लीजिए दीदी। दीदी आपका है तो मैं किसी को बुला दूं? डॉक्टर को, नानू को या कोई और? नहीं जुगनू भैया, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे किसी को भी नहीं, मेरा मतलब कोई ऐसा जिसे मैं बुलाऊं और आपको अच्छा लगे वो, समझा करो ना। जुगनू भैया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब जाके बाकी लोगों को अटेंड कीजिए। पक्का ना? पक्का। झूठ मूठ के नाटक में सच की चोट लगा ली ना? अच्छा है ना, इसी बहाने तुम दवाई तो लगाने आए। ओए कुणाल, आज ना मैं डबल खुश हूँ, इसलिए क्योंकि एक तुम लोग जीत गए और दूसरा वो मुंह बोली मिष्टी हार गई। आज के बाद ना मैं तुम दोनों की टीम में हूँ, ठीक है? अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। वैसे वो हारी ना तो? आपको मम्मा बुला रही है। अब ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ये नानू ने हमें दिया है। कहा है ये क्यूटेस्ट कपल के लिए ये उनका आशीर्वाद है, तो इसे तुम ही बचा के रखो। नहीं नहीं कुणाल बेटा, बिल्कुल नहीं, सब कुछ इसके हाथ में मत देना, तो शॉपिंग में उड़ा देगी। नहीं दादी, मैं तो शेयर करने आई थी, है ना? कुणाल ने कहा, इन्होंने ही कहा कि लास्ट टाइम मुझे जो इयररिंग्स पसंद आई थी ना, मैं वो खरीदूं, है ना? अब तो कुछ बोल ही नहीं सकती। बस बेटा, हमें तो यही चाहिए कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। ये मेरा है ना? एक हाथ क्या कर लिया तुम्हें, लगा सब चेंज हो गया? ग्रो अप कहूँ, कब तक अपनी इंसल्ट कराती रहोगी? तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं करता और ना ही कभी करूंगा, कभी करूंगा। ये सब सिर्फ एक नाटक है, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स यहाँ थे, अगर वो नहीं होते ना तो मैं कुछ भी नहीं करता, अंडरस्टैंड? कुणाल, कुणाल रुक जाओ। फैम मैंने डांस कंपटीशन में आपकी साइड ली, तो इसमें थोड़ा सा तो मेरा शेयर बनता है ना? नो वे। लाइफ ने मुझे पहली बार छोटी सिस्टर दी, तुम्हें कभी भी कुछ भी किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ भी नहीं, ये पूरा तुम्हारा। सच? Hashtag sisters love, हाथ दे। Love you. सा। इस हार के लिए तो झूठा बहाना था, मुझसे हारने के लिए कोई सच्चा बहाना तो दोगी ना? वैसे सबके सामने आंखें उठा के मुझे देख भी नहीं सकती, I love you क्या कहूँगी? मिष्टी कहाँ चली गई? अभी छोड़ो, बड़ी माँ। उनसे तो बार बार I love you कहती हो। अबीर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज छोड़ो ना अबीर, लीव। अगर मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। Ra 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 ra
हमारा प्यार मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। मैं बोलूंगी। मेरी फेरी टेल पूरी नहीं हुई, मेरी लव स्टोरी ट्रेजेडी बन गई और मिष्टी खुश है। कुणाल को मिष्टी से जीत के भी मैं हार गई। हैशटैग लूजर फॉर लाइफ। अब ये हम सबकी तरफ से आप सबके विशंभर जी, राजश्री जी, शादी के वक्त भी आपने बहुत कुछ दिया था। अब हर बार तो मैं आप लोगों से गिफ्ट्स नहीं ले सकती हूँ। निधि जी, हाँ जी, प्लीज अब आप मत बना कीजिएगा कि मैं खास आपके लिए लाई हूँ। जी ना, अच्छा जी, अब आप इतना जिद कर रही है तो मैं इसे टेक्स्ट कर लेती हूँ। और वैसे भी मुझे आपकी लाइकिंग बहुत लाइकिंग है। हाँ, अब हिंदी में बता दो। अरे हस्बैंड, मेरा मतलब है इनकी लाइकिंग को मैं बहुत पसंद करती हूँ। वाह वाह, मारी वाली, फिलहाल तुम्हारी इंग्लिश कोचिंग है ना, तुम केतकी और कुहू के साथ ही करो। हाँ विशंभर जी, रियली आई एम सॉरी, मैं नहीं। देखिए मीनाक्षी जी, अब आप मना मत कीजिए, इन सब में हमारा धन्यवाद है। हम सबको आज यहाँ आकर सच में बहुत खुशी मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों परिवार मिल गए हैं, और ये सब कुछ कुणाल की वजह से हुआ है, और आप कुणाल की माँ है। आज का फंक्शन तो अच्छा होना ही था, क्योंकि इस फंक्शन की जिम्मेदारी पारुल ने जो ली थी। पारुल ही हमारे घर की कर्ता धर्ता है। आज हमारा परिवार जैसा भी है पारुल की वजह से है। किम पारुल? वो तो बच्चों की आंखों में नजर आता है, सब कितना प्यार करते हैं आपसे। Excuse me, एक इम्पोर्टेंट कॉल है लेना होगा। बेंबा बहुत परेशान लग रही है, पता नहीं ये सिर्फ मुझसे नाराज है या कोई और बात है। बस दोबारा फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? मीनाक्षी राजवंश पर किसी की भी धमकी का कोई असर नहीं होता। अने पीछी बात, अब अगर दोबारा मुझे कॉल किया तो माँ अम्बे की सौगंध मैं चुप नहीं रहूंगी। And mind well, this is my last warning. Ouch! I'm sorry, आंटी, वो अब तुम मेरे ही घर में छुपकर मेरी ही बातें सुन रही हो? नहीं आंटी, मैं तो वॉशरूम से। बस तुम्हें तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम मेरे घर तक पहुंच गई हो। और अब जब पहुंच ही गई हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मिष्टी। कुहू और कुणाल की शादी तो करवा दी, लेकिन इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि तुम मेरे बेटे अबीर को फांस कर मेरी बहू बन सकती हो। नेवर एवर। तुम सिर्फ एक बाजी जीती हो, जंग जीतूंगी मैं ही। जेंटलमैन एंड परम पूज्य बापू जी, अभी जो हाईलाइट होने वाला है वो होने वाला है दही हांडी कॉम्पिटिशन। हाँ। और ये जो भी टीम जीतेगी उसके मेंबर्स को अबीर का एनजीओ बेस्ट क्रिकेट कोचेस के जरिए 2 साल तक क्रिकेट कोचिंग दिलवाएगा और स्पोर्ट्स में करियर बनाने में हेल्प करेगा, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सुनो, हम क्या खड़े खड़े देखते ही रहेंगे?
अब हम भी पार्ट लेंगे। बापूजी, दही हंडियों में थोड़े से दही के लिए हड्डियों को खतरे में नहीं डालते। आपको दही चाहिए ना? मारी वाली, बापूजी को एक कटोरे में थोड़ा दही लाके दे दो ना। बापूजी बाद में। All right, chill bro. मैं पार्ट नहीं लूंगा। Okay. पर दोनों फैमिली में से एक एक मेंबर पार्ट लेगा। दादू, हमारे फैमिली से कौन पार्ट लेगा? राजकोट का चॉकलेट बॉय, डांस कॉम्पिटिशन का विनर और दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी का नाती, वन एंड ओनली नानको। आप बताइए कि महेश्वरी फैमिली से कौन आएगा? विशंबर जी आइए। अरे नहीं 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 यशपाल जी, हमें माफ कीजिए, इस उम्र में सब शोभा नहीं देता, माफ कीजिए। राजेश जी, आप। नहीं नहीं अंकल जी, मैंने तो माफी करो आप। हाँ तो शौर्य महेश्वरी जी। मैं हाँ नहीं 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 मैं मेरे अच्छे के मेरे भाव में मोच आ गई, I'm really sorry। शौर्य बहाना तो थोड़ा ठीक से मारी। All right, महेश्वरी फैमिली तरफ से आएगी लड़ाई में पीछे कदम नहीं हटाने वाली माइटी मिष्टी। मैं यशपाल जी, ये बिल्कुल सही चॉइस है, हमारी मिष्टी आज तक कोई भी मुकाबला नहीं हारी। आपको मिष्टी पे बहुत भरोसा है ना नानू? लेकिन मैं कह रहा हूँ, जो भी मिष्टी से कहा गया करने के लिए वो मिष्टी नहीं कर पाएगी। तो जन्माष्टमी के दिन सबके सामने मिसाइल होगी क्या? मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ, जीतूंगी और वो भी सबके सामने। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।